आप देख रहे सुरक्षा व्यवस्था हर हर गलियों में, हर टर्न पे, सब जगह पॉइंट्स पे मैजिस्ट्रेट्स और फोर्स और पीएसी लगाई गई है। रूफटॉप ड्यूटीज भी हैं, सब पे नजर रखी जा रही है और सभी इंतजाम हैं और पीसफुली कराएंगे। मैम, कब्रिस्तान में बहुत ज्यादा जगह नहीं है, कितने लोगों के अंदर जाने की व्यवस्था की गई? क्या सिर्फ परिवार के लोग ही जाएंगे, बाकी लोगों का हुजूम आएगा, तो किस तरीके से? देखिए, मैं हर चीज कैमरे पे ब्रीफ नहीं कर सकती, जो अधिकारी मौके पे, उनको ब्रीफ कर दिया गया, वो किस तरह से फिल्टर आउट करेंगे वो वहाँ पे मौके पर। पुख्ता व्यवस्था की गई है, पूरे सुरक्षा के चाक चौबंद वो है, परिवार के लगातार संपर्क में है और जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से सुपुर्दे खाक किया जाएगा। रात शव आके उनके आवास पर रखा हुआ है। लगभग कितनी फोर्स? पर्याप्त संख्या में फोर्स है, फोर्स की कोई काउंटिंग नहीं की जाती है ना बताई जाती है, लेकिन पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बल, पुलिस बल सभी उपलब्ध हैं। और रात भी लोगों से अनुरोध कर लिया गया था, पुनः हमारी टीमें हर जगह कर रही हैं कि अनावश्यक रूप से भीड़ ना लगाई जाए। जिन लोगों को आना है, परिवार की तरफ से कहा गया है, उनके आवास पे वो थोड़ी देर के लिए सब रखेंगे और लोग जाके वहां पे अपना जो संवेदना व्यक्त करने आते हैं तो उनके आवास पे जाके व्यक्त कर सकते हैं। दफनाने का समय क्या है जो परिवार ने बताया है? 10 बजे।